क्या हुआ? तुम सो जाओ, तुम सो जाओ। निशा अमृत, हम SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना। हम आपको कोर्ट ले जाने आए हैं। जी। अच्छा। मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा। क्या? चिदावाय बोले एकदम झगास। चिता भाई। बको ना यार, बको ना। हाँ। यार ऐसा कोई अपराध बताओ जिसको करने से कम 5 दिन जेल में रहना पड़े। क्या करना है तुमको जानकर? अपराध करना है हमको भी। अरे यार क्या हो गया तुम लोग? क्या हो गया? सुबह में भांग वांग सुल्फा उल्फा खा लिए हो तुम लोग? काहे से बकैती करो? क्या करोगे जेल के अंदर जाकर? ये देखो क्या है। क्या है? बिल्लू का लेटर। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है अगर हमको चोर एसोसिएशन का मेंबर बनना है तो कम से कम 5 दिन जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे माई बाप, तुम लोग को काहे के लिए बनना है चोर एसोसिएशन का मेंबर? अगर हम चोर एसोसिएशन के मेंबर बन गए तो देश के 300 जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट, समझा क्या? और इतना ही नहीं, साल में 2 बार स्विट्जरलैंड की जेलों का हॉलिडे पैकेज फ्री। क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग? सच बोल रहे हो? यार 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 बिलो, तुझसे बात करके हमारे बारे में भी कुछ बात कर रहे हो? अरे कोई बात नहीं, पहले हमको अंदर डालो ना, हम बात करते हैं। क्या समझे हो इसको तुम लोग? तुम्हारी मौसी का घर है, तुम्हारी मौसी का घर। अरे थाना है, थाना बेशरम लोग, क्रिमिनल लोग आता है यहाँ पर, और यहाँ पर आने के लिए ना क्राइम करना पड़ता है। हो गया, चलो निकल। आज के बाद थाना में घुसे टांग काट देंगे तुम लोग का। चीता चतुर्वेदी। जय मैडम। जय हिंद। हमने तुमसे हॉस्पिटल का फुटेज निकालने को कहा था, क्या हुआ? सब कुछ लाया ना मैडम, सारा फुटेज लाया। ओके गुड। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हॉस्पिटल से बच्चा गया कहाँ। मेडिकल स्टाफ को नहीं पता, डॉक्टर्स को नहीं पता, नर्सेस को नहीं पता, यहाँ तक कि निशा ने भी किसी को बच्चा ले जाते हुए नहीं देखा। और इतना छोटा बच्चा जिसकी माँ के अलावा कोई देखभाल नहीं कर सकता, हॉस्पिटल से गया कैसे? एक बात नोट की आपने मैडम सर, जिस माँ से इतना छोटा बच्चा अलग हो जाए उस माँ के विलाप से तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। मगर निशा जी पूरे हियरिंग के दौरान कोर्ट में इतनी सामान्य थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हमको लगता है कुछ तो गड़बड़ है मैडम सर। ऐसा भी हो सकता है ना मैडम सर कि बच्चा खोने के सदमे में चली गई हो वो। संतोष, पहले हमें भी यही लगा, लेकिन कोर्ट में भी निशा के हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका बच्चा खो गया है। सीसीटीवी फुटेज अच्छे से चेक करो, एक एक चीज छान मारो, कौन हॉस्पिटल में आया, कौन हॉस्पिटल से गया, सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट, सब कुछ हमें क्लैरिटी से देखना चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। यस मैडम सर। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आप वापस जाएं? नहीं, मेरे पूछने का मतलब है कि सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन आप प्लीज थोड़ा धीरे बोलेंगे, अम्मी जाग जाएंगी। अरे हाँ माताजी जाग जाएंगी। अगर माताजी ने आपको यहाँ देख लिया तो पता नहीं आपके बारे में क्या सोचेंगी। एग्जैक्टली लेकिन फिलहाल हम ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? हमारा कॉफी पीने का अचानक से बहुत मन कर रहा था, और आपने इतनी बार कहा है कि आप इतनी अच्छी कॉफी बनाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपके हुनर को एक मौका दिया जाए। धन्यवाद मौका देने के लिए। आइए माता जी। आइए हसीना जी, आइए। यहाँ? वैसे आमतौर पर हम कॉफी किचन में ही बनाते हैं, आप कहाँ बनाती हैं? किचन में ही,
आप हमें डायरेक्टली किचन में क्यों लाए? देखिए कॉफी आप बनाने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं कि आधी रात के बाद जब दो लोग साथ में कॉफी बनाते हैं तो फिर कॉफी बहुत लाजवाब बनती है। और वैसे भी यहाँ हम सुरक्षित हैं, माता जी यहाँ नहीं आने वाली। अच्छा हसीना जी, कृपया करके फ्रिज वहां पर है, हमें जरा दूध दीजिएगा। दूध इसी में है ना? दूध मिल गया, रख दीजिए इधर, इसमें 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 डाल दीजिए। क्या कर रहे हैं? क्या हसीना? अरे आप वहां क्या कर रहे हो? आपको भी देख लेंगी। आ रही है क्या? S.H.O. जो बड़े बड़े केसेस एक चुटकी में सुलझा देती है, वो कॉकरोच से डर गए? वाकई में डर गए या हमारे पास आने का बहाना था? माफ कीजिए, हमें जाना होगा, ड्यूटी फर्स्ट, हेडक्वार्टर से वैसे जाया है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहें? हाँ हाँ प्लीज। घर पर कोई नहीं है, माँ रिश्तेदार के यहाँ पूजा में गई है। सही कहा आपने, ड्यूटी फर्स्ट, इसी के कारण तो जुड़े हैं इस रिश्ते से हसीना मलिक, क्योंकि यही वो रिश्ता है जो हमें महिपाल तक पहुंचा सकता है और हजारों लाखों लोगों की जान बचा सकता है। हम चलते हैं, बाय। आइए। हाँ चलिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी। पुष्पा जी आप सुबह सुबह इतनी चुप चुप है, अपसेट लग रही हैं, क्या हुआ? जिसका डर था वही हुआ मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या हुआ पुष्पा जी? हम दादी बन गए। बाप रे, ये कौन सा फास्ट टेक्नोलॉजी निकल गया पुष्पा जी? नहीं कल तक तो करिश्मा मैडम एकदम फिट एंड फाइन होकर घूम रही थी, अभी अचानक से। हमें समझ नहीं आ रहा कैसे दादी कैसे बन गई आप? करिश्मा जी ने एक बच्ची को गोद ले लिया और बोल रही कि खुली हो गई हसरत आपकी दादी बनने की, अब दोबारा आपको माँ बनने के लिए मत कहिएगा। हमारे तो भागे फूट गए मैडम सर, हमारे तो भागे फूट। बैठे बैठे। अरे बाप रे बाप, आराम से आराम। माना कि वो बच्ची बहुत सुंदर है, बहुत नाजुक है, साक्षात लक्ष्मी माता का रूप है, मगर हमारे लल्ला से तो नहीं है ना, अब क्या करेंगे हम? पता नहीं कौन सा मनहूस दिल था जो हमारे लल्ला को करिश्मा जी भा गई। पुष्पा जी लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा, अचानक से करिश्मा जी ने बच्चा कैसे गोद ले लिया? आज तक तो कभी उन्होंने इस बात का जिक्र भी नहीं किया। हमको भी नहीं पता था। देखिए आइए भाई साहब, यहाँ रख दीजिए आप। धन्यवाद आपका, आप जा सकते हैं। धन्यवाद। हमें कभी आपने कभी बताया नहीं कि आप बच्चा गोद लेने के बारे में सोच रही हैं। हमको भी नहीं बताया। एक सेकेंड, हम आपको चुप कराएं या इसको चुप कराएं अभी? हाँ तुम समझदार हो ना, तुम चुप रहो। हाँ मैडम सर, हमने गलत क्या किया इसमें? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट बहुत अच्छा किया कि आपने बच्चा गोद लिया है, आप उसे अच्छी जिंदगी देना चाहती हैं, लेकिन अचानक से ये सब अचानक ही होता है मैडम सर, सोच समझ के तो सिर्फ FD होता है।
वो कहा है ना कि हमारा दूर की कजन है ना, उसको 5 बच्चे थे पहले से, तो उन्होंने हमको बोला कि इसका पालन पोषण वो ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो हमने सोचा कि ये तो साक्षात लक्ष्मी हमारे घर पर आ रही है हमारा घर धन्य करने। और पुष्पा जी तो हमेशा से यही चाहती थी ना कि उनको दादी बनना है, दादी बनना है, तो उनका ये अरमान भी पूरा हो जाएगा, हमने सोचा। क्यों पुष्पा जी ऐसे? अरे एक तो धीरे बोलिए, ऊपर से मुंह का लटकाई है आप, पूरा दिन हमारा कान खाती है दादी बनाओ दादी बनाओ। तो देखिए कितना सुंदर बच्ची हमारे घर पर आया, हमारा घर धन्य करने। हाँ रिटायरमेंट ले लीजिए और संभालिए। कोई रिटायरमेंट नहीं लेंगे हम, अभी हमारी उम्र ही क्या है, देखा ही क्या है हमने जिंदगी में, बचा ही क्या है पुष्पा जी? बहुत कुछ बचा है पुलिस की नौकरी में। जिंदगी में एक बार ही सही एक केस लीड करना है हमें, डिपार्टमेंट का नाम रोशन करना है और साबित करना है हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह ने यह वर्दी सिर्फ पहनी नहीं बल्कि उसका हक भी अदा किया। इस सबसे पहले नो रिटायरमेंट। हमको पता था ये इनकलाब फटेगा आपके अंदर से जो फट चुका है, इसलिए हम फैसला कर कर आए कि ये बच्ची हमारे घर नहीं रहेंगी पुष्पा जी, ये बच्ची यहाँ थाने में हम सबके साथ रहेगी। ये थाना होगा इस बच्ची का असली घर। और वैसे भी पुष्पा जी हाँ, ये बच्ची घर पे रहे या यहाँ रहे, इस बच्ची को संभालना आपको ही है। अब मैडम वो हम कब से इसे बच्ची बच्ची बुला रहे हैं, इतनी प्यारी बच्ची, एक प्यारा सा नाम दे देते हैं। ये काम ना मैडम सर से अच्छा और कोई नहीं कर सकता है। मैडम सर आप दीजिए ना इस बच्ची को एक प्यारा सा नाम। नहीं नहीं करिश्मा सिंह, हम कैसे, सबसे सीनियर पुष्पा जी, पुष्पा जी रखेंगे इसका नाम। मैडम सर मैडम सर मैडम सर आप रखिए ना, कहाँ ही मौका पुष्पा जी को दे रही है, 5G के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट वाला फील दे देंगी, ये बच्ची ना बचपन में ही बूढ़ी हो जाएगी, प्लीज आप रख दीजिए। सब सुनाई दे रहा है हमें, सॉरी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम ही रखते हैं ना, लाइए। वाकई बहुत ही खूबसूरत बच्ची है, इसके चेहरे पर एक नूर है, फरिश्तों की रोशनी है। रोशनी, रोशनी नाम रखेंगे इसका। रोशनी हाँ, बहुत अच्छा नाम है रोशनी। तो बस आज से इसका नाम हुआ रोशनी। रोशनी आपने सही कहा करिश्मा सिंह, हम सब इसे मिलकर इस थाने में पालेंगे क्योंकि हम सब इसकी माँ हैं। मैडम सर आपने CCTV फुटेज मांगा था ना हॉस्पिटल का, ये रहा, इसमें से मैंने रोजमर्रा वाले जो रूटीन फुटेज है वो एडिट कर दिए और एंट्री और एग्जिट का पार्ट रखा है। ओके ये रहा। एक मिनट पॉज करो इसे। ये करिश्मा सिंह है ना? वही लग रही है मैडम सर। ये यहाँ क्या कर रही है? इसका डेट और टाइम फुटेज का मैडम सर, ये तो कल का ही है। 11:35 मतलब हमारे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। अब एग्जिट का फुटेज दिखाओ। बस बस हॉस्पिटल से निकली नहीं बाहर, हमारे पहुंचने से पहले वो हॉस्पिटल पहुंच गई और एग्जिट पॉइंट पर कहीं दिखाई भी नहीं दे रही, ऐसे कैसे और क्यों? कितनी सुंदर हो, तुम्हें पता है तुम कितनी सुंदर हो, तुम जब बड़ी हो जाओगी ना तो तुमको बड़ी ऑफिसर बनाएंगे हम, ठीक है? एक बात नोट की अपने मैडम से, जिस माँ से इतना छोटा बच्चा अलग हो जाए उस माँ के विलाप से तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है, मगर निशा जी पूरे हियरिंग के दौरान इतनी सामान्य थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, हमको लगता है कुछ तो गड़बड़ है मैडम सर। संतोष जी नन्ना सा बच्चा को देख के हमारा बार बार ऐसे दिल करता है ना कि तू भी बच्चा गोद ले ली।
संतोष जी, हमारा मन करता है ना कि हम शादी कर लें, फिर हमारी भी ऐसी होगी ना, एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी कोमल सी नाजुक सी ऐसे परी जैसी बच्ची। हाँ, तो किसने रोका है करना शादी? रोका नहीं है संतोष जी, लेकिन बढ़ने भी तो नहीं दे रहा है ना, मतलब बढ़ने दे तो बात आगे पहुँचे, बात आगे पहुँचे तो बात शादी तक पहुँचे, बात शादी तक पहुँचे तो कुल्लू मनाली तक पहुँचे, कुल्लू मनाली तक पहुँचे तो खुशखबरी तक पहुँचे, और खुशखबरी तक पहुँचे तो मजा आ जाए, है कि नहीं संतोष जी? तो कर ले शादी, बोलिए। हाँ जी, टेंशन मतलब मैं तेरे लिए तेरे हिसाब की अच्छी लड़की ढूंढूंगी। संतू जी, संतू, हमको लगता है ना कि बचपन में ना आप चाय के साथ साथ सांप सीढ़ी के खेल वाला गिट्टी भी खा गई थी ना, इतना मेहनत करके चीता चतुर्वेदी 99 पे पहुंचता और आप 10 के फिर वापस 1 पे भेज देते, ऐसे कैसे चलेगा संतू जी? हाउ 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 कौन रखा चाय यहाँ पे? महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर, रहिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? हाँ हाँ, महिला कांस्टेबल ही बोल रहे हैं हम। तो आवाज नवाजुद्दीन जी, अमर तुम हमें नरक में जाओ, तुम तो कीड़े पड़े तुम्हारे मुंह में, रख 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 रख। और जोर से बोल लीजिए ना, देखिए बताइए। देखिए हेड कांस्टेबल पुष्पा जी, आपको पता है हम पिछले 3 घंटे से रोशनी को सुलाने का कोशिश कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, कितना मुश्किल से सोई थी, लेकिन कोई ना कोई खटपट, कोई ना कोई आवाज लगातार चल रहा है यहाँ पर थाने। अब सुनिए, बैठिए डेस्क पर और घंटी बजने से पहले आपको फोन उठाना है, आप समझ गए आप हमारी बात को? अरे घंटी बजेगी नहीं तो पता कैसे चलेगा फोन आया है? बस उतनी ही घंटी बजना चाहिए कि आपको पता चल जाए कि फोन आ रहा है और आपको उठा लेना, समझ गए? कैसे कैसे और धीरे बोलिए। नहीं नहीं, मतलब हमको समझाइए ना, कितनी रिंग बजनी चाहिए तो पता चले कि फोन भी आ गया और बच्चे की नींद भी ना टूटे। सुनिए, ट्रिंग का ना ट्री भी नहीं होना चाहिए, ट्रिंग का टी होते ही आपको फोन उठा लेना, समझ गई? चेता रहे हैं हम आपको। हाँ, तो फिर उसके लिए हमें ऐसे एक हाथ हमेशा फोन पे रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ऐसे एक हाथ फोन पे रख के बैठिए या फोन पे बैठ जाइए, हमको उससे मतलब नहीं है। ड्यूटी की वजह से रोशनी की देखभाल में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और रोशनी की वजह से ड्यूटी में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, समझ गए सब? यस। हाँ जी मैडम। सो गई है। जय मैडम सर। जय करिश्मा सिंह, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज केबिन में आइए। जी। ध्यान रखना। जी करिश्मा सिंह, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम आपसे चाहते हैं, निशा अमृत के केस से रिलेटेड। कुछ पूछना है आपसे। हाँ पूछे ना, पूछे मैडम सर। निशा अमृत को हॉस्पिटल से कोर्ट ले जाना था, इतना इम्पोर्टेंट काम, इतना इम्पोर्टेंट मिशन, ठीक उसी वक्त आपको कोई जरूरी काम आ गया। हम जान सकते हैं कि ऐसा क्या जरूरी काम था जो आपको इतना इम्पोर्टेंट मिशन छोड़कर जाना पड़ा? हाँ वो अचानक से एक केस आ गया, उसके लिए हमें तुरंत निकलना पड़ गया। आप क्या है, आप मिशन पे जा रही थी ना बाकी सबके साथ, तो हमने सोचा कि हम वो केस संभाल लेते हैं। कौन सा केस? नहीं, हमको लगा कि काफी मतलब बड़ा केस है, पर नहीं, छोटा मोटा केस था तो हमने अपने स्तर पर उसको सुलटा दिया। झूठ बोल रही हैं आप करिश्मा सिंह, कोई केस नहीं था, आप सिटी हॉस्पिटल गई थी। और झूठ मत बोलिए क्योंकि हमने वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक किया था और वहां आप दिखी थी हमें अपनी आंखों से हॉस्पिटल में एंटर होती हुई। अब बताइए कि आप वहां क्यों गई थी और ये बात आपने हम सबसे क्यों छुपाई? निशा का फोन आया था हमारे पास, हमारी मदद मांग रही थी वो, हमें कह रही थी कि वो नहीं चाहती है कि रोशनी उसके साथ जेल जाए, इसलिए उसने रोशनी हमारे हाथों में थमा दी और हमसे कहा कि किसी ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पे उसकी देखभाल बहुत अच्छे से हो सके, तो हम यहाँ ले आए उसको, यहाँ से अच्छी देखभाल और उसकी कहाँ हो सकती है। लेकिन आप ही क्यों,
ये जिम्मेदारी वो किसी रिश्तेदार को या किसी जानने वाले को भी दे सकती थी। वो एक मुजरिम की बेटी है मैडम सर, आतंकवादी संगठन से मिले होने का आरोप है उसकी माँ पर। कौन रिश्तेदार आप हमको बताओ संभालेगा ऐसी बेटी को? तो वो बच्ची आपने अपने पास रख ली। और कहाँ रखवाते मैडम सर आप बताइए हमको, कहाँ ले जाते हैं हम उसको? जहाँ पे भी वो जाती उसकी पहचान उसके साथ जाती जो जो उसके खिलाफ है, इसलिए हमको यही सबसे अच्छी जगह लगी। अब हमने ले ली जिम्मेदारी रोशनी की। करिश्मा सिंह आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, कायदा कानून ये सब आप बहुत अच्छे से जानती हैं। क्या आप नहीं जानती कि आपने जो कुछ भी किया वो कितना गैर कानूनी है? आपको इस केस की पूरी रिपोर्ट बनानी चाहिए थी, बच्ची को अपने पास रखने की ऑफिशियल परमिशन लेनी चाहिए थी। फिर परमिशन आते आते खारिज होते होते ये बच्ची अपनी माँ के साथ जेल पहुँच जाती। जेल में पल बढ़कर बड़ी होती क्या सीखती? बिना किसी जुर्म के एक निर्दोष बच्ची मुजरिम कहलाती। नहीं मतलब हम समझ नहीं पाते हैं मैडम सर आपको। कभी कभी जब हमें आपके ये जज्बातों वाले हथकंडे अच्छे नहीं लगते हैं आपको, तब भी हमसे दिक्कत है। आज जब हम जज्बाती होकर कुछ करना चाह रहे हैं आपको, तब भी हमसे दिक्कत है। नहीं मतलब आपको किस चीज से ज्यादा दिक्कत है, हम जो करते हैं उससे या फिर हमसे? हेलो। अरे भाई हम बोल रहे। जी कौन? हमको नहीं ना पहचाना, हम हैं आपके सेवक बुलबुल पांडे। अरे भाई हम वो जिद्दी दाग है जो एक बार गलती से लग जाए ना तो फिर छुटाए नहीं छुटता, और आपने हमें ही बुला दिया। खैर कोई बात नहीं, फिर आगे आपकी स्टोरी में कमाल का ट्विस्ट लेके। आप साफ साफ बताएंगे आपने फोन क्यों किया है? अरे वो क्या नाम है? कृष्णा दुबे, भूल गए सरकार? अरे तोहरा नाम नहीं वो आतंक, अरे हाँ निशा अमृत। अरे वो बच्ची जो हॉस्पिटल से चोरी हो गई थी उसका केस डिपार्टमेंट ने हम ही को तो सौंपा है। अरे हम ही तो पता लगा रहे चोर का। तो अरे हम आपको इतना बड़ा धड़ाकेदार न्यूज दिया है और आपने इतना छोटा सा रिएक्शन दिया बस। तो खैर हम आपको कॉल इसलिए किए थे कि वो बच्चा चोर के बारे में कोनो लीड हो तो हमको दीजिएगा, क्या है कि बच्चा चोर पकड़ने में हमको हेल्प हो जाएगा। जी नहीं, हमारे पास इस केस से रिलेटेड कोई लीड नहीं, अगर हमें कुछ पता चला तो आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू। काट दिया, लीजिए सीधा मुंह पे भेज जाती। अरे डूब मर सार तहने कोनो गंदा नाली में जाके, कोनो ट्रेन के नीचे आके कट जा धरती के एक्स्ट्रा बोझ। ऐसा हमको कहते अगर हम आपकी जगह होते तो होते तो। क्या हुआ मैडम सर, कोई दिक्कत? ये बुलबुल पांडे का फोन था, डिपार्टमेंट ने निशा अमृत का केस उसे हैंडओवर किया है। कहा? जी वो हमसे लीड मांग रहा था। करिश्मा सिंह आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि वो कितना शातिर ऑफिसर, लीड को सूंघता हुआ केस की जड़ तक पहुंच जाता है। ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर कुछ दिनों में वो रोशनी को यहाँ पर लेने आ जाए आपके अरेस्ट वारंट के साथ, और तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे करिश्मा सिंह। अब भी वक्त है, निशा के पास उसकी बच्ची को लौटा दीजिए, फिर हम कानूनी तौर पर रोशनी को। नहीं 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 मैडम सर, रोशनी से मिलवाना भोलेनाथ का फैसला था, और रोशनी को अपने पास रखना ये हमारा फैसला है। भले ही भोलेनाथ अपना फैसला बदले लेकिन हम अपना ये फैसला नहीं बदलेंगे। रोशनी हमारे साथ रहेगी, हमारे पास रहेगी, हम उसका देखभाल करेंगे जब तक उसकी माँ जेल से बाहर नहीं आ जाती। जिसको जो उखाड़ना होना वो उखाड़ ले, लेकिन रोशनी हमारे साथ हमारे पास रहेगी बस। जय हिंद। करिश्मा से अगर बुलबुल पांडे को ये बच्ची करिश्मा सिंह के पास मिली तो बच्चे के चोरी के केस में बहुत जल्द मुसीबत में फंस सकती है वो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।